नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम लोग 4 तारीख की ग्रह स्थिति देखते हैं, 4 अप्रैल की। बिल्कुल 3 की तरह है, शुक्र वृषभ राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में, मंगल शनि बृहस्पति अभी भी मकर राशि में, बुध कुंभ राशि में और सूर्य मीन राशि में चल रहे हैं। मैं कल भी बोला था कि चंद्रमा का स्वग्रही होना ये जनमानस के लिए सुखद है, शुक्र का वृषभ राशि में होना ये जनमानस के लिए सुखद है, और चूंकि वृषभ लग्न की कुंडली भारत की है, शुक्र का यहां पे होना कहीं ना कहीं बचाव कर रहा है। लेकिन मकर राशि में इन तीनों ग्रह का होना ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं दर्शा रहा है, तो थोड़ा सा जनमानस को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है जो हमारे भारत सरकार की फैसला है। बहुत आवश्यक है कि बहुत लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें और जो उसके रियल नॉर्म्स हैं उस बात पे जरूर ध्यान। ये नहीं कि दिन भर आप ठीक हैं, आपके घर में जो भी मेड हैं या जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं से संक्रमण आ जाए, इस बात का ख्याल करिए कि ऐसा ना होने पाए। राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि, मेष राशि की स्थिति ठीक है, धनागमन होगा, कहीं ना कहीं से फंड का कुछ इंतजाम होगा, जो आप परेशान चल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली हो या जिस तरीके से हो बेटर होंगे। जो दवा दारू से लोग जो जुड़े हुए हैं या कुछ केमिकल से जो लोग जुड़े हुए हैं जैसे दवा वगैरह, उनके लिए थोड़ा सा अच्छा समय रहेगा। स्वास्थ्य ठीक है बट रिस्क नहीं लीजिएगा। प्रेम ठीक है, व्यवसायिक स्तर पे आप ठीक चल रहे हैं, कुछ ना कुछ इंतजाम होता रहेगा। काली जी को प्रणाम करें, मानसिक तौर पर और अच्छा। वृषभ राशि, वृषभ राशि की स्थिति ठीक है, व्यवसायिक स्तर पे आप योजनाएं बनाइए, जैसे ही आपको मौका मिलेगा उसको लागू करिएगा। योजना बनाने के लिए अच्छा समय है और उसको मानसिक तौर पे या बैठे बैठे कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है लॉकडाउन का नियम के पालन करते हुए, तो ये भी करिए, अच्छा होगा। स्वास्थ्य ठीक, प्रेम ठीक, व्यापार ठीक, बस गणेश जी की वंदना करें और अच्छा होगा। मिथुन राशि, रिश्तेदारों से कुछ अपनों से शुभ समाचार की प्राप्ति हो या कुछ अपनों में आपस में कुछ बढ़ोतरी होने का संकेत। स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम अच्छा है और व्यवसायिक स्तर पे कुछ फंड का इंतजाम हो सकता है, लेकिन आप ऑनलाइन कहीं कुछ पैसे अभी मत लगाइएगा, नुकसान होने का संकेत। हरी वस्तु पास रखें, मानसिक तौर पे मां काली को प्रणाम करें, अच्छा। कर्क राशि, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, सौम्यता बनी रहेगी, कुछ लाभ के संकेत है, स्वास्थ्य में सुधार के संकेत है बट अभी रिस्क मत लीजिएगा। प्रेम में कुछ पॉजिटिविटी दिख रहा है और व्यवसाय में कुछ समाचार के माध्यम से कुछ अच्छी बातें जुड़ सकती, शिव जी का स्मरण करें, अच्छा। सिंह राशि, बहुत बच के पार करें, संतान पक्ष को लेकर भी थोड़ी चिंता होगी, प्रेम को लेकर के भी थोड़ी चिंता होगी, शारीरिक स्तर पे भी आप थोड़े डाउन दिख रहे हैं। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यवसाय सब मध्यम है, बहुत हिसाब से चलिए, लाल वस्तु पास रखें और सूर्यदेव को जल दीजिए। कन्या राशि, आर्थिक मामले फलीभूत होंगे, कुछ इंतजाम या कुछ आश्वासन मिल सकता है आर्थिक तौर पे, आपको अच्छी स्थिति है, प्रेम ठीक है, शारीरिक स्तर पे भी आप ठीक कहे जा सकते हैं बट रिस्क मत लीजिएगा। कोई भी लाल वस्तु का दान करना और गणेश जी की वंदना करना आपके लिए अच्छा हो। तुला राशि, शारीरिक स्तर पे कुछ भ्रामक स्थिति पैदा हो सकती है, ढंग से चलिएगा,
ध्यान रखिएगा। बाकी शासन सत्ता पक्ष से कुछ आपके पक्ष में आश्वासन मिल सकता है, ये भी एक अच्छी बात है। फिर भी रिस्क मत लीजिएगा किसी भी तरीके के शारीरिक स्तर पर। प्रेम की स्थिति थोड़ी दूरी, लेकिन आपस में प्रेम बना रहेगा। शनि देव का स्मरण करना आपके लिए अच्छा। वृश्चिक राशि, पहले से समय बेहतर है, बट रिस्क मत लीजिएगा। शिव जी का स्मरण करना आपके लिए अच्छा होगा। प्रेम की स्थिति अच्छी कही जाएगी। व्यापारिक तौर पे कुछ योजनाएं फलीभूत हो सकती हैं, बाकी ठीक ठाक है। धनुराशि की स्थिति सही कही जाएगी, फिर भी कोई रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपकी बहुत डाउन है। और किसी भी तरीके से आज के दिन सबसे ज्यादा आप जल से बचाव करिएगा कि जल संक्रमित आपके पास तक ना पहुंचे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम मध्यम है, व्यापारिक स्तर पे भी मध्यम समय है। पीली वस्तु पास रखें, शिव जी का स्मरण करें। मकर राशि, रोजी रोजगार के क्षेत्र में कुछ नई दिशा मिल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन में ये कैसे होगा। बहुत सारे लोग व्यवसायिक तौर पे भी इस समय काम कर रहे हैं, नई योजनाएं बना रहे हैं, नई चीजें कर रहे हैं, उसमें से एक आप भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, मध्यम है। प्रेम की स्थिति भी आपकी मध्यम है। माँ काली को मानसिक तौर पे प्रणाम करें, अच्छा। कुंभ राशि की स्थिति ठीक है, बट थोड़े डिस्टर्ब रहेंगे शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे। ध्यान से पार करिए, शिव जी का स्मरण करिए। व्यापारिक तौर पे कुछ चीजें नई जुड़ सकती है आपके साथ, या नई जुड़ने का आश्वासन मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के ठीक ठाक समय है, बट रिस्क मत लीजिएगा शारीरिक तौर पे। शनिदेव को मानसिक तौर पे प्रणाम करें। मीन राशि, कुछ अच्छे निर्णय होने के संकेत है, या कुछ आप द्वारा निर्णय लिया गया या लिया जाएगा जो कि आपके फेवर में आएगा। शारीरिक तौर पे पहले से बेहतर है आप, और व्यवसायिक तौर पे कुछ नई बातें जुड़ सकती है, आश्वासन के तौर पे या किसी भी तौर पे। भगवान विष्णु को मानसिक तौर पे प्रणाम करें, मानसिक स्तर पे प्रणाम करें, चीजें और अच्छी होगी। नमस्कार।